दयमाडि पत्रकर्ता स्वल्प सहकार कोडबेकु स्वराज्य कई घोषणेगी दलित विरोधी संविधान राज्यपाल दलित विरोधी हिंदुत्व वर्ग विरोधी सिद्दरमैया दलित व्यक्ति राज्यपाल प्रतिकृति दान सिद्दरमैया सरकार मांग अलग अलग मांग नहीं है। भ्रष्टाचार का आरोप सीएम के ऊपर है। मूड़ा स्कैम हुआ है, सबको भी मालूम है। उन्हें 2011 में क्या कहा, कब बीजेपी का सीएम रहे येडियुरप्पा, उस समय विरोधी नेता रहे सिद्दरमैया जी, उस समय उन्हें क्या कहा उसको याद करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। उन्होंने उस दिन कहा तुरंत इस्तीफा देना। राज्यपाल जी ने क्या निर्देशन दिया है वो संविधान के वजह से संविधान के अनुसार दिया है, उसको पालन करना। ऐसा वो उन्हें क्या कहा उसको हम फिर याद करने के लिए ये भूल जाता है ना। वो कांग्रेसियों को भूलने का बीमारी बहुत पहले से है, उसके लिए उसको याद करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। संविधान 11 में कौन सा संविधान थी, वही संविधान आज भी है, आज भी है। भाजपा के लिए अलग संविधान, कांग्रेस के लिए अलग संविधान है क्या? नहीं है। अंबेडकर जी ने सबके लिए संविधान दिया है। कानून सभी को बराबर होता है ना। येडियुरप्पा जी के एक तरफ से कानून है, सिद्दरमैया जी के दूसरे तरफ से, ऐसा है क्या? नहीं है। इसके लिए हम याद करने के लिए सिद्दरमैया जी आप उस दिन क्या कहा है उसको हम याद करेंगे। आप क्या कहा उसको पालन करो। स्वतंत्र है, कोर्ट जाने का स्वतंत्र है, बट राज्यपाल के खिलाफ हंगामा करने का मौका वो स्वतंत्र नहीं है। राज्यपाल का पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है, संवैधानिक हुद्दा है, उसको खिलाफ हंगामा करना, उनको निंदा करना वो अच्छा नहीं होता है। दलित राज्यपाल है, उसके लिए निंदा कर रहा है क्या? अपना राज्यपाल दलित है, दलितों को निंदा करना अट्रॉसिटी होता है। कांग्रेसियों ने अट्रॉसिटी कर रहा है दलितों राज्यपालों के ऊपर। मांग कर रहे थे, लेकिन अब जो राज्यपाल जी जो सैंक्शन दिया है प्रोसिक्यूशन के लिए, कम से कम अब तो सिद्दरमैया जी को रेजिग्नेशन देना चाहिए, ये हमारा मांग है। सर, आप रेजिग्नेशन की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस जो है पुराने मामलों को खोद रही है। देखिए, जो सिद्दरमैया जी और डी के शिव कुमार जी लगातार बीजेपी और जेडीएस के बारे में दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, ब्लैकमेल करने की जो कोशिश कर रहा है, हम लोग डरने वाले नहीं है। हम लोग बोल चुके हैं जो भी बीजेपी और हमारा पुराने सरकार के खिलाफ मुकदमा करना है करने दीजिए, लेकिन हमारा मांग है मुख्यमंत्री सिद्दरमैया को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि सिद्दरमैया जी उसके सरकार के खिलाफ और सिद्दरमैया जी के फैमिली के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप आ चुका है, इसलिए नैतिकता आधार में मुख्यमंत्री सिद्दरमैया को इस्तीफा देना चाहिए। वी आर डूइंग इट सिंस लास्ट सेवरल डेज, बट नाउ गवर्नर हिमसेल्फ हैज गिवन परमिशन फॉर प्रोसिक्यूशन। It is the high time for the Chief Minister to step down and show that yes, I am the right man. I obey the constitutional mandate that has been given by the government. But he is saying that the whole decision is illegal. That's why I am questioning it. And the governor has done this work as a puppet of the BJP. See, making allegations it is easy. He has taken much time to go in detail and study the papers, then only after getting legal experts opinion and all that he did it. What is there after all? Say, let him step down. See, when Adwani, we know Adwani, when there was an allegation against him as the Hawala issue is concerned, how he has stepped down. He says that I am Satya Harishchandra. But he says the petition filed by the given by the governor, the prosecution permission itself is illegal. See, he has not given any clarity. Only a cabinet decision to say that, to convey the message that it should be withdrawn. That's all. But really, reality behind it is much more than what it is. दलित विरोधी, हिंदुत्व वर्गदर विरोधी सिद्दरमैया अवरिगे दलित व्यक्ति राज्यपालर प्रतिकृति दान माड्ता इरुवंत सिद्दरमैया सरकारक्के दलित विरोधी, हिंदुत्व वर्गदर विरोधी सिद्दरमैया अवरिगे दलित व्यक्ति राज्यपाल